Hello students, welcome in RCI Education Hub online class. Dear students, we discuss about the numerical related to emission spectrum of hydrogen. Previous class, we discuss about the atomic spectra of hydrogen atom. Is this clear? Now, we discuss numerical related to emission spectrum of hydrogen. यहाँ पर दो न्यूमेरिकल गिवन है, इन दोनों को अपन जो फॉर्मूला अपने पास में लास्ट में आया था, दैट इज 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार. फॉर्मूला क्या था बेटा? 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार 109677 1/(n1)² - 1/(n2)² सेंटीमीटर इनवर्स. दैट इज क्लियर. अब इस फॉर्मूले बेस्ड पर इन न्यूमेरिकल को अपन को सोल्व करना है. फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद एन इक्वल टू 4 टू एन एनर्जी लेवल विद एन इक्वल टू 2. 4 से कहां जा रहा है आपका? 2 पे जा रहा है. 4 से कहां पे जा रहा है आपका? 2 पे जा रहा है. इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका लोअर जो नंबर होगा वही क्या है आपका N1 की वैल्यू है, और जो हायर नंबर है वो आपकी N2 की वैल्यू है. तो इस फॉर्मूले में अपन को 1/λ मतलब लेमड़ा आपका वेवलेंथ अपन को फाइंड आउट करना है. आपको गिवन है N1 = 2 और N2 = 4. दैट इज क्लियर. देखिए अब इसमें अपने पास में गिवन क्या है. इश्यू नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है उसमें गिवन क्या है अपने पास में? N1 = 2 एंड N2 = 4. इट इज क्लियर. नाउ 1/λ = 109677 1/N1 की जगह क्या रख देंगे अपन? 2² - 1/4² सेंटीमीटर इनवर्स. क्लियर. 1/λ = 109677 क्या हो जाएगा बेटा? ये अपने पास सोल्व करेंगे तो 1/4 - 1/16. दैट इज क्लियर. तो यहां से अपने पास में निकल के आएगा जो फॉर्मूला वो क्या आएगा? 1/λ = 109677 कितना जाएगा अपने पास में? 12/64. अब अपनों क्या फाइंड आउट करना है? यहां से अपन को लेमडा फाइंड आउट करना है. क्या करना है बेटा? लेमडा फाइंड आउट करना है. तो लेमडा के लिए क्या कर देंगे अपन? इन्वर्स कर देंगे. क्लियर. तो यहां से हो जाएगा अपने पास में λ = 64/12×109677. दैट इज क्लियर. यहां से रिवर्स हो जाएगा, ये λ = 64/12×109677 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में आएगा 4.58×10⁻¹⁵ सेंटीमीटर. क्योंकि यहां से सेंटीमीटर इनवर्स भी रिवर्स होगा तो क्या जाएगा अपने पास में? सेंटीमीटर. दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज द वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ट्रांजिट फ्रॉम N = 4 to N = 2, then we obtain answer is 4.58×10⁻¹⁵ centimeter. Clear? Sorry, 4.86. क्या आएगा यहाँ पर? 4.86×10⁻⁵ centimeter. That is the wavelength of this transition when electron of hydrogen atom undergoes एनर्जी लेवल विद N = 4 to एनर्जी लेवल विद N = 2. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ. क्लियर. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज द कैलकुलेट द वेव नंबर. किसके बारे में बात कर रहा है? कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. देखिए बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ नंबर फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. देखिए बेटा, यहां पर
मैंने आपसे कहा था जब आपके पास में क्या था, अपने पास में जब सीरीज कौन कौन सी लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फंड इनके लिए जो टेबुलेशन किया था उसमें एन वन की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी। एन वन की वैल्यू क्या थी बेटा, फिक्स थी। उस कंडीशन में यहां पर गिवन है क्या, सबसे पहले तो बामर सीरीज, क्या गिवन है, बामर सीरीज। तो देखिए यहां पर गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर टू है, गिवन डाटा क्या है अपने पास में, बामर सीरीज गिवन है अपने पास में, कौन सी गिवन है, बामर सीरीज। इसके लिए एन वन की वैल्यू फिक्स है, वो कितनी आपकी, टू है, राइट। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, वेव नंबर, तो आपसे वेव नंबर मतलब न्यू बार आपसे कैलकुलेट करवाना है, क्लियर। और फिर बात कर रहा है किसकी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, किसकी बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की। बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो कब होती है, जब अपने पास में एन टू की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो, क्या हो, इनफाइनाइट हो, उस कंडीशन में क्या ऑब्टेन होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, इनफाइनाइट, ये केस क्या होता है अपना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। Clear? अब इस कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना है, वेव नंबर न्यू बार आपको फाइंड आउट करना है, इट इज क्लियर। नाउ वी यूज द फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू 1096771 वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट सेंटीमीटर इनवर्स। वी नो डेट वन अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन We got 1096771 into 1 upon 4 centimeter inverse. Then new bar is equal to 4 से divide करो इसको, दो सात सौ अट्ठाईस सोलह सेंटीमीटर इनवर्स, 27416 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज द वेव नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ध्यान रखना बेटा, जब भी आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करे तो उसके लिए आपको n2 क्या लेना है, इनफाइनाइट, n2 क्या लेना है आपको, इनफाइनाइट। और बामर सीरीज गिवन है, इसके लिए ऑलवेज ऑलवेज n1 क्या होगा आपका, 2 होगा, दैट इज क्लियर। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए आपके लिए डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दैट इज क्लियर। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू क्लास।